स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स तो हमको दे रखा है, बट ये x माइनस वन अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये आपका x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सिक्स इसको लेकर के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू, और ये आपका हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको ऐसे करने की बजाय अगर मैं x माइनस वन अपॉन एक्स को अगर मैं x प्लस वन अपॉन एक्स के टर्म्स में ही करने की कोशिश करूं तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे भी हो जाएगा, जो मैं करने जा रहा था वो भी उससे भी हो जाएगा, बट अगर मैं x प्लस वन अपॉन एक्स के टर्म्स में x माइनस वन अपॉन एक्स को लिखूं तो ये ज्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि हमें क्या है कि हमें डायरेक्ट हमें x माइनस वन अपॉन एक्स हमें मिल जाएगा, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसमें स्क्वायरिंग करके निकालते हैं तो फिर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लेकर के चल रहे हैं, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सिक्स है। तो देखिए नाउ बाई यूजिंग फॉर्मूला, ये आपका x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो है इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर, ये मैं लिख सकता हूं। अब देखिए ये ऐसा मैं किस लिए लिख सकता हूं कि देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसे मैं लिख सकता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ये भी आइडेंटिटी आपको बुक में आपको दे रखी है, तो उसी के बिहाफ पे मैंने ये करा है, ओके। तो अब देखिए ये क्या है, ये हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो x माइनस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 32, तो x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा फोर रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस फोर रूट टू हमारा ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कर लिया है, ओके। तो अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट में हमारा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या हुआ है, हम दे रखा है सिक्स दे रखा है, ओके। और ये x माइनस वन अपॉन एक्स हमने जस्ट अभी हमने निकाला है प्लस माइनस फोर रूट टू, तो प्लस माइनस फोर रूट टू है हमारा ये, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 24 रूट टू। तो बस ये जो आ रहा है यही हमारा फाइनल आंसर है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।